दिन हमने क्या काम किया है, पीले रंग का मेंढक होता है छप्पड़ के अंदर, बड़ा मेंढक, हमने वो मेंढक बच्चों से पकड़वाया, वो 5 रुपये एक बच्चे को दिए भी, मैं हमको एक मेंढक चाहिए पीले रंग वाला बड़ा, वो कहने लगा दादा 5 रुपये लूँगा मेंढक, मैं भी ला देता हूँ। तो वो 1 घंटे बाद में आ गया लिफाफे के अंदर, पीला बड़ा सा मेंढक था। गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सागर व्लॉग्स में। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं अमरपुरा, जो कि पंजाब में है और अबोर रोड पे ये अमरपुरा गांव पड़ता है, वहां पे रहते हैं एक मैजिक सम्राट जिनकी उम्र है 85 ईयर ओल्ड, 85 साल उनकी उम्र है। वो हमें बताएंगे अपने तर्कशील माइंड से उन्होंने कैसे, एक परिवार है उनके पशु बीमार थे और उनके 60-65 हजार रुपए किसी ने लूट लिए, और फायदा देने के लिए उनके जो है इलाज करने के लिए, जो फायदा बिल्कुल नहीं हुआ उनके लगभग 60 हजार रुपए लग गए। उसके बाद दोस्तों उनको किसी ने बताया कि इस प्रकार से अमरपुरा गांव है, वहां पे रहते हैं मोतीराम जी, आप उनसे मिलिए। तो दोस्तों वो सज्जन मोतीराम जी के पास आए और मिले, सारी घटना उनको बताई। उसके बाद में वो उनके पास गए, उनसे जो मिले और पूछा, और उन्होंने सब बताया कि ये जो घटना हमारे साथ हुई है, पूरी घटना दोस्तों सुनकर के उसके बाद में उन्होंने उनका जो है इलाज किया अपने तर्कशील माइंड से, कैसे किया वो सारा बताएंगे। दोस्तों बने रहिए व्लॉग में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको डेली 8 बजे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलिए दोस्तों बिना देरी किए करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। हरियाणा में गांव एक तेजा खेड़ा है, मैं पात्र का नाम सही नहीं बताऊंगा और गांव का नाम ही मैं सही नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई बार ये नाम मिल जाते हैं तब कभी कभी कोई नाराजगी किसी को उत्पन्न हो जाती है। तो हाँ मैं कहानी है वो आपको सच बता रहा हूँ। तो वहाँ किसी के घर में भैंसें और गायें काफ़ी बीमार रहती थी, और हर 6 महीने बाद में एक आधी पशु उनका मर जाता था। तो उनको किसी ने बताया कि ये जम्मा लगाओ, तो रामदेव जी का उन्होंने जम्मा लगा दिया, 5 हजार रुपये खर्च हो गए। कहने लगे वह फला पंडित जी से वो धागा तबीत करवा के लाओ, वो करवाया, और उसके बाद में कहने लगे ऐसे नहीं, इसमें तो भूत रहते हैं। तो इसको मेहंदीपुर है ना, वहाँ से ये सवामनी करके आओगे, तो मेहंदीपुर सवामनी करके आए, 6 हजार रुपये जीप वाले ने ले लिए, बाकी सवामनी के लग गए। तो हमारा घर आ गई, आर्थिक स्थिति और ही कमज़ोर होती जा रही थी दिनों दिन, लेकिन करे तो करे क्या, कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके बाद में किसी ने उनको, रिश्तेदार ने उनको बताया कि गांव अमरपुरा में जाओ, वहाँ मोतीराम है ठेके के पास में घर है, उनसे संपर्क करो, शायद आपका कुछ भला हो। तो वहाँ वो पूछगिछ करते करते हमारे पास आए, और उन्होंने हमने छोटी सी उनसे इंटरव्यू ली, तो उन्होंने बताया भी ये कहानी है हमारे घर पे, डंगर पशु मर जाते हैं, हमने बहुत कुछ तांत्रिक विद्याएं करवा ली लेकिन ठीक नहीं हो रहा, हमारे घर का ढांचा ठीक नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा भी चलो हम आएंगे देख के बताएंगे, कल आएंगे। तो दूसरे दिन हमने क्या काम किया है, पीले रंग का मेंढक होता है छप्पड़ के अंदर, बड़ा मेंढक, हमने वो मेंढक बच्चों से पकड़वाया, वो 5 रुपये एक बच्चे को दिए भी, मैं हमको एक मेंढक चाहिए पीले रंग वाला बड़ा, वो कहने लगा दादा 5 रुपये लूँगा मेंढक, मैं भी ला देता हूँ। तो वो 1 घंटे बाद में आ गया लिफाफे के अंदर, पीला बड़ा सा मेंढक था, वो ले आया। तो हमारे पास में नारियल के 2 टुकड़े किए हुए थे इन्हीं भूत प्रेतों को निकालने के लिए, तो नारियल के दोनों टुकड़े के बीच में हमने उस मेंढक को डाल दिया, और दोनों नारियल के टुकड़े बंद करके
और तांबे का तार लेकर के और उसको प्लास से अच्छी तरह मरोड़ करके और बंद कर दिया और चिकनी मिट्टी से पोताई कर दी नारियल की चौफेरे। और नारियल के जहाँ दो तीन आँखें होती है उसके अंदर सुई से सुराख निकाल दिया ताकि मेंढक को ऑक्सीजन मिलता रहे। तो हमने उस मेंढक को काले लिफाफे के अंदर डालकर तो मोटरसाइकिल पर एक मैं एक हमारे गांव का डॉक्टर शंकर हम दोनों मोटरसाइकिल लेके चले गए। तो आगे जब गांव के नज़दीक पहुंचे तो दो बच्चे कच्चे रास्ते पर भागे आ रहे थे, एक खेत में ढाणी थी वहां से। तो हमने पहले से अंदाज़ा लगा लिया कि जो बच्चे भागे आ रहे हैं लोकल सड़क की तरफ ज़रूर ढाणी यही है और बच्चे हमको रोकने के लिए रास्ता बताने के लिए आ रहे हैं। और वो ही हुआ, हम आगे गए तो बच्चे हमारे से पहले मेन रोड लिंक रोड पर आगे थे, उन्होंने हाथ ऊपर को किया तो हमने मोटरसाइकिल ब्रेक मार दिए। हमने पूछा फलाने की ढाणी कौन सी है, कही यही है। तो हम उस ढाणी के पास में तो वहाँ दो तीन ढाणी वाले और भी आ गए और कृपया 5-7 आदमी और 10-15 औरतें भी माता बहनें भी थी। वो कहने लगे भी सयाने आ गए इनके लिए चाय लाओ बिस्कुट लाओ और लो। हमने कहा बहन जी हमें कुछ नहीं खाना पीना, पहले तो थोड़ा बहुत फ्रेव हमने भी किया, ऐसे फ्रेव करे बगैर वो मानते नहीं, करें तो करें क्या, मजबूरी में हमें फ्रेव करना पड़ा। तो हमने कहा आंगन में गाय के गोबर से थोड़ा सा चौका लगाओ जो कि 3 फुट चौड़ा हो, 3x3 के दूर में उन्होंने चौका लगा दिया गाय के गोबर से। और क्या चीज़ चाहिए, हमने कहा भी और हमें धूपिया चाहिए। तो एक छेपड़ी जिसको पंजाबी में पथ भी कहते हैं, तो उन्होंने चूल्हे के अंदर डाल दी तो वो धूपिया काफ़ी बड़ा बिल्कुल तैयार हो गया। तो उन्होंने वो धूपिया ला कर उस चौके के ऊपर जहाँ पुताई की हुई इतगारे की वहाँ वो धूपिया रख दिया। तो हमने वो लिफाफे के अंदर से वो नारियल निकाला जो कि मिट्टी का गोल गेंद सी लग रही थी, किसी को नारियल दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहाँ से हमने वो मिट्टी का गोला था वो नारियल वो धूपिया के पास में रख दिया और झूठ मूठ सा आया मंत्र बोलने लगा जैसे होठ हल रहे थे लेकिन आवाज़ में निकालता ही नहीं था, क्योंकि तो शाणे होते हैं जो ठगी मारने वाले वो कोई आवाज़ नहीं निकालते कभी भी, देख लेना वो होठ हिलाते जरूर हैं लेकिन बोलते नहीं। तो उनकी तरह ही मैं बोला नहीं लेकिन होठ जरूर हिला रहा था जैसे भी वो देख रहे हैं शाणा है ये भी मंत्र पढ़ रहा है। तो उसका उस मेंढक पे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने देखा उस धूपिए से मेंढक कुछ ज़्यादा दूर वो मिट्टी का गोला ज़्यादा दूर रखा गया था इसलिए वो पूरा तप वहाँ पहुँचा नहीं, तो इसे वो हिला नहीं, तो मेरे से गलती हो गई थी वो। तो मैंने फटाफट मेरा दिमाग तर्कशील विचारों का था, मैंने कहा अरे भाई आप में से कोई सुच्चा नहीं है, कोई असुच्चा आ गया क्या, हाथ पैर धोए या नहीं धोए, सभी के हाथ पर धो के आए थे। तो उनमें एक और कहने लगी मैंने हाथ पैर नहीं धोए। अरे बेटा जाओ हाथ पैर धो के हो। तो वो हाथ पैर धो के वापस आई, हमने वो मिट्टी का गोला था वो उठा लिया और मस्ती के लगा करके और मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ गया और दूसरी बार रखा तो हमने धूपिया के बिल्कुल नज़दीक रख दिया, नज़दीक रखा और उसको तप लगा, अंगारों का तप लगा और माँ बैठा भूत था वो मेंढक था उसने अंगड़ाई ली, पर फिर क्या था वो मिट्टी का गोला वो नीची जगह की तरफ लुढ़कने लगा और उसको लुढ़कता देख वहाँ औरतों का वो लड़कों का जो काफला था कोई पूर्व की तरफ भाग रहा था और कोई पश्चिम की तरफ, सारा काफला बिक चुका था, सिर्फ एक लड़का खड़ा था वो जो 8वीं में पढ़ रहा था। तो वो नहीं भागा, वो बाकी सब भागे क्या बूढ़े क्या जवान। तो उस बच्चे को हमने बोला बेटा क्या बात है, वो कहने लगा जी
दादाजी ये काम हमें सिखा दो, हमारे पूर्वज सब कुछ लुटा रहे हैं मेरी फीस भरने के लिए इनके पास, और सियाणी आते हैं 5,000 रुपये वो ले जाते हैं मेरी किताबों को, मेरे को पैसे नहीं देते। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नंबर लेता हूँ लेकिन कैसे लूँ, फीस भरा भरते नहीं, किताबों के पैसे देते नहीं, मैं बहुत दुखूँ, मेरे पर ही आप दया कर दो। तो मैंने कहा बेटा ये काम मेरे वाला सीख ले तो मैंने उसको समझाया, तो उसको मैंने कहा भी इसके अंदर मेंढक डाला हुआ है और कुछ नहीं है। और पहले मैं मेरे से दूर रखा गया था धूपिए से, तो ये आराम से बैठा रहा। अब की बार मैंने वो बहाना मार के भी कोई किसी का पैर नहीं धोया, छूत है वो पैर धोने के बहाने से, तो मैंने दोबारा मत्थे के लगा के और आग के गोले के नज़दीक धर दिया, इसको तप लगा, इसने अंगड़ाई ली तो ये नीचे जगह की तरफ लुट गया। तो इसमें भूत का क्या है, इसमें कौन सा भूत है, वो मेंढक है बेचारा, इसको जाते थे पास पानी में छोड़ देंगे। तो उसके बाद में हमने देखा फिर पशुओं का हमने जायजे लिया, तो छोटा जमींदार था और उसके पास में 13 डंगर थे छोटे बड़े, तो हमने उनको पशुओं का जायजा ले लिया, वे बिल्कुल मरियल पशु थे। तो 3 या 4 पशु अच्छी किस्म के थे, अच्छी नस्ल के थे, तो हमने उनको कहा कि धागा लाओ, तो झूठ मूठ की फूके मार मार के और मंत्र के धागे दे दिए, 4 पशुओं के हमने धागे बांध दिए, ये 4 पशु है इनके हम धागे बांध दिए, आप इनकी पालना करो, इनकी सुरक्षा करो, इनको अच्छा चारा डालो, अच्छा दाना दो, अच्छी इनकी सेवा करो और इन थके हुए इन पशुओं को बेच दो, 4 पशु जो अच्छे हैं ना, तो कहाँ 13 पशु कहाँ 4। तो 6 महीने बाद में वो तो चारों झोटियाँ बियाने वाली थी और अच्छी नस्ल की तैयार हो रही थी और वो परिवार आज तक हमारा एहसानमंद है। थैंक यू।